छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है और अभी की तस्वीरें हम आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है तमाम छात्रों में। आइए तस्वीरों में बताते हैं कि किस तरह से अपना तर्क जो है तमाम छात्र रखते हैं। और भी नहीं हो सकती है, जम्मू जम्मू यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा है कि पीक पर अभी कोरोना ओमिक्रॉन नहीं पहुंचा है, तो प्री प्लान अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आपके हाथ में नहीं है, क्या आपके पास कोई गाइडलाइन ऐसे भी नहीं आई फर्दर सर आने वाले टाइम? वो डिसाइड करेगी, बॉडी बैठ के डिसाइड कर रहेगी। जब सरकार डिसाइड वो आगे वाले एग्जाम के लिए आगे वाले एग्जाम के लिए सिचुएशन के मुताबिक बॉडी बैठ के डिसाइड करेगी। बच्चों की जिंदगी के साथ खेल पूछ ही लो अगर नहीं है पेपर है। सर आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने जो कल किया वो बहुत गलत किया बेटा। मैंने आपको बोला बच्चों को बिठा के रखा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आपने बाहर बिठाया, क्यों बिठाया आपने? आप यहाँ से 10 मिनट में अंदर भागने की कोशिश करो कि मैं जा रहा हूँ, क्यों? आपने जब उस छात्रा को आधा घंटा बाहर बिठाया तब आपको समझ में नहीं आया वो इतनी बीमार थी कि आपने नहीं देखा? वो एम्बुलेंस से जब नीचे उतरी उसकी टांगे कांप रही थी, वो छात्रा पूरी कांप रही थी, क्या आपको वो नहीं दिखा? क्या आपको सर आपको नहीं उसमें अपनी बेटी नजर नहीं आई? दिखना था सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर लो, हम कह रहे हैं आप ऑफलाइन पेपर लो, खुशी से लो, हम देंगे बच्चों को, हम बनाएंगे, मगर पोस्टपोन करो पेपर, जब सामान्य होंगे हालात आप तब पेपर लो। मगर आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? आपको क्या उस बेटी की आंखों में दिखा नहीं वो दर्द? के लिए पीछे पड़े हुए हैं बेटा। जी सर बोलिए। देखिए जो बच्चों मेरी बात सुनिए ना, अगर अगर बच्चे कहते हैं हमने नहीं देना एग्जाम तो ठीक है, कल तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप नहीं ना बच्चे, आप कहोगे वो बच्चे जो दे रहे हैं वो कहते हैं इमीडिएटली एग्जाम लेके हमारी डिग्री तोड़ने, नौकरियों के लिए फॉर्म भरने हैं बच्चे, उन्होंने नौकरियों के लिए फॉर्म भरने हैं, ठीक है? उनके उनकी डिग्री रुकी हुई है, पोस्टें आ रही हैं, उस वजह से उन्हें प्रेशराइज किया हुआ यूनिवर्सिटी को। ये तो यूनिवर्सिटी में प्रेशर था मैडम, ये यूनिवर्सिटी में प्रेशर था उल्टा उनका, ये तो उनकी पोस्टों की वजह से है, उनकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी उनकी नहीं बन रही है। वो कह रहे हैं एक पेपर दो दो पेपर है जल्दी खत्म करो, ऐसा यूनिवर्सिटी किसी को फोर्स नहीं करती, ना ही कर रही है। अगर अगर कोई बच्चे का किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो फिर से अब रेगुलर एग्जाम में जाने उसके साथ ही जा सकता है। यानी आप प्रॉब्लम का इंतजार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आती है? ये बच्चों के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है कि बच्चों के एलिजिबिलिटी बने, डिग्री बने उनकी, ताकि वो कहीं फॉर्म निकल जाए भर सके। इतनी बड़ी संख्या है सर बच्चों की जो आप? थोड़े बच्चे, ज्यादा नहीं है बच्चे, जो थोड़े बच्चे हैं तभी तो कर रहे हैं हम, ज्यादा होता ही नहीं। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूँ, यही बच्चे आते हैं हमारे एग्जाम जल्दी लो, यही बच्चे आते हैं हमारे एग्जाम पोस्टपोन करो, जो आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, दूसरे बच्चे जो आते हैं वो एक्चुअल जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं वो कहते हैं हमारे एग्जाम लो। प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी जो है दो ड्यूल स्टैंडर्ड के साथ नहीं चल सकती, कि बच्चे एक कहेंगे कुछ कहेंगे हमारे एग्जाम लो। यू आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ, आपको पता नहीं है क्या किस किस? देखिए मैडम जो एक्चुअल बच्चे जो हैं, रियल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे एग्जाम हो रहे हैं कि हमें डिग्री जल्दी चाहिए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट होगी, अदरवाइज इन बच्चों के एग्जाम जैसे कंट्रोल साहब ने ऑलरेडी कहा मार्च में होने थे। पर सर ये तो अब इस वक्त भी किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, बच्चा कोई फील कर रहा है ठीक है वो आए, अगर नहीं कोई बच्चा फील कर रहा है ठीक आने में काबिल नहीं है वो अभी और महीने डेढ़ में दोबारा एग्जाम आ जाने हमारे रेगुलर बच्चे उनके साथ बैठ के दे सकते हैं। लेकिन सर सवाल यही है ना बच्चों की तरफ से, ये कहा गया नहीं नहीं कोई ऐसा अपना बर्बाद कराना नहीं नहीं ऐसा साल है ही नहीं, 2 महीने उनके बाद है, वो बच्चे पता नहीं कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही बच्चों की इंटरप्रेट। देखो मेरी बात सुनिए, साल की तो बात ही नहीं है, मार्च में हमारे एग्जाम हमारे फिर से हो जाने हैं,
क्योंकि रेगुलर बच्चे जो देने उनके साथ हो जाने हैं। और इन बच्चों का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन बच्चों का ये प्रेशर था कि जल्दी जल्दी हमारे एग्जाम कंडक्ट करके हमें रिजल्ट दो। हमने एंडी जनवरी तक इनको रिजल्ट का प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी एग्जाम कंडक्ट करके आपके करेंगे, ताकि इनके बच्चों को जो पोस्टें आ रही हैं, कोई इतनी सारी रिक्रूटमेंट की पोस्टें आ रही हैं, बच्चों की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। और एक एक पेपर की वजह से फैसले पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, फैसले पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बट मैंने आपको बताया जो फैक्चुअल पोजीशन है। लेकिन बच्चे भी काफी ज्यादा रोष है, बच्चे कह रहे हैं कि जो समस्या परेशानी आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जल्द एग्जाम करवाएं, हमें डिग्री चाहिए। कंट्रोलर साहब कुछ भी कह सकते हैं, इनकी बात को कोई फ्लिप थोड़ी कर सकता है, अपनी बात से खुद फ्लिप हो जाते हैं। जब इन्होंने एक पेरेंट्स को ये कहा कि हम उनके लिए एक स्पेशल रूम प्रोवाइड करवाएंगे या कोई कॉर्नर दे देंगे, तो फिर वो आइसोलेट, फिर वो छात्रा बाहर क्यों बैठी थी आधा पौना घंटा? मेरे उनके फादर साहब से बात होती है और वो कहते हैं कि हमारी छात्रा पौना घंटा बाहर बैठी रही, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। क्यों नहीं थे पुख्ता इंतजाम? इस बात का ये चिंता का विषय है, कंट्रोलर साहब को सोचना चाहिए। किसी की जान से बढ़कर किसी की डिग्री नहीं है, कोई पेपर नहीं है, और इनकी शर्म देखो, इन्होंने आज पेपर रखा हुआ 2 बजे। कंट्रोलर साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या एक जान से बढ़कर पेपर हो सकता है? बच्चे ये कह रहे कि भविष्य अधर में अटक चुका है, नौकरियों के फॉर्म निकल रहे हैं, तो डिग्री जल्दी चाहिए। बच्चे ऐसा कुछ, अगर ये बच्चों की इतनी ही बात मानते, आज हम लोग बोल रहे हैं, कल भी बोला हमने, एग्जाम शुरू होने से पहले भी बात की कंट्रोलर साहब से कि पेपर पोस्टपोन करो। हम नहीं कहते कि पेपर ऑनलाइन लो, हम कहते हैं पेपर ऑफलाइन लो, मगर जब हालात सामान्य होंगे। एबीवी पेपर सवाल उठा रहे, कह रहे कि ये सियासत कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी सियासत की, आज से हम लोग नहीं खड़े, हम 1949 से खड़े हैं। हमारे बड़े भाई यहाँ से काम करके निकल चुके हैं, अब हम काम कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा। सियासत नहीं करे, सियासत जो कुर्सियों में बैठते हैं वो करते हैं, हम कुर्सियों में बैठ के सियासत नहीं करते। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम छात्र हैं, हम सियासत नहीं करते हैं, लेकिन एबीवीपी के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, ताकि भविष्य जो है वो भी सुनिश्चित हो और जान जोखिम में ना डालनी पड़े, हमारी जान को भी खतरा ना हो। आप यूं ही मासे बने देखते थे न्यूज़ नाउ लाइव, जमुस रोहान की रिपोर्ट।